देखो मम्मी लोग को ना लोकसभा विधानसभा के बारे में पता नहीं है। काय बता लोकसभा काय में विधानसभा काय तो मतलब समझा तू मतलब दिल्ली के मंत्री लोकसभा और विधानसभा उड़ीसा के। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग वोटिंग करने जा रहे थे और रेलवे स्टेशन में क्यों आ गया, तो क्यों आया बताइए। हम लोग वोट इतना कीमती है ना आपको बता देता हूँ। मम्मी ना करीब 200 किलोमीटर बाहर गई थी, तो आज ना बस में ट्रैवल करके आई बस वोट देने के लिए। तो मना ना पहली बार वोट देने जाएंगे, क्या क्या लेके जा रहे हैं वोट देने के लिए? अंगूठा बस गिंडा गिंडा इधर इधर चल चल चल। देख रहे डेली ना एडवर्टाइज चल रहा है ना, तो क्या बोल रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, हर हर महादेव, राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। और न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है और आप देख रहे हो कमलेश रानू ब्लॉग। दोस्तों आज हमारे यहाँ 13 मई है और 13 मई को हमारे यहाँ क्या होने वाला है, अच्छे बोटिंग का दिन। और आप लोग के शहर में बोटिंग हो चुका है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग उड़ीसा से हैं, उड़ीसा में हमारे यहाँ बोटिंग का है और बोटिंग का आज 13 तारीख को 13 मई को है और लोकसभा विधानसभा का चुनाव स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी जगह शहर पे वोटिंग भी हो गया है। और हम लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं ना, तो हमारे यहाँ ना 13 मई को भी होने जा रहा है। तो आप लोग किसको वोट दियो तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किसका सरकार चाहिए आपको वो भी आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी हम लोग तो घर से निकलने ही वाले हैं वोटिंग के लिए, तो वोटिंग का अभी करने नहीं जाएंगे क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है और हम लोग जाने वाले हैं घर। घर पे क्या है, हमारा काम चल रहा है कॉन्ट्रेक्शन का, तो हम लोग को मिस्त्री बुलाया गया है तो वहीं पर हम लोग चलते हैं। उसके बाद हम लोग वोटिंग के लिए जाएंगे और हमारे वाइफ का मैं अभी टिफिन रेडी कर रहे हैं सबके लिए, तो मैं टिफिन भी लेके जा रहा हूँ। और इसका वोटर आईडी कार्ड नहीं आया, वोटर आईडी कार्ड निहायती दरकार है, नहीं तो एक पेपर आपके पास स्लिप होगा उसमें आपका लिस्ट आ गया है तो आप वोट डालने जा सकते हो। और आपका वोट जाया नहीं करना है, ठीक है? काफी लोग ना वोट नहीं देते, वोट जरूर दीजिए, फिर आपका जो आपका भी वोटिंग जहाँ वेस्टेज नहीं होना चाहिए, वोटिंग उसी को देना जो आपका काम आ सके। तो चलो अब हम लोग निकलते हैं, हमारे है ना स्कूल पे वोटिंग का बूट लग चुका है और किसके में वोटिंग देंगे वो तो अंदर में तो वीडियो बनाने मना है, तो चलो कोशिश करेंगे हम लोग अंदर जाके वोटिंग देने के लिए। और हमारे हर्षित बोल रहा है मैं भी वोट देने जाऊंगा, मेरे वाइफ भी बोल रही मैं भी जाऊँ, फिर इसका ना ये नहीं आया, क्या आया कि नहीं? वोटिंग के लिए क्या दरकार पड़ता है, हम लोग को वोटर आईडी कार्ड चाहिए, तो वोटर आईडी कार्ड अभी तक इनका बना नहीं, फिर नाम आ गया लिस्ट पे। तो ठीक है, आप लोग किसको वोट दिए हो इस साल, किसको सरकार बना रहे हो और किसको आप लोग देने वाले हो, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। और हम लोग अभी निकलने वाले हैं घर से और घर पे भी काम है तो हम लोग को मिस्त्री लोग बुला भी रहे हैं, मिस्त्री लोग से बात करेंगे, उसके बाद हम लोग का घर का भी कॉन्ट्रेक्शन का कहाँ तक पहुँचा वो भी देखेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे हम लोग का वोटिंग का क्राउड कैसा है और किसको वोटिंग ज़्यादा जा। तो आप लोग को पता होगा उड़ीसा का सरकार कौन है, बीजेडी। तो बीजेडी ना काफ़ी दिन से अभी हमारे उड़ीसा में मतलब है, अभी देखते हैं इस बार किसका सरकार। एक छोटा सा सवाल है, ये देखिए हमारे भाई, इसको बोला हूँ वीडियो बनाने के लिए वर्कआउट करने के लिए, और ये मोटी है कि नहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और ये हर्षित ना ऐसा बोल रहा हूँ तो मेरे को पीट रहा है, ये क्या क्या कर रहे तू, हाँ पापा को पीटेगा हैं? ये देख रहे कितना जोर से मार रहा है, देख रहे गुंडा बन रहा है आज तो हैं, मैं लेके नहीं जाऊँगा तेरे को, चल हट हट गुंडा 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 गिंडा 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 इधर इधर चल 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 लड़ाई चल चल लड़ाई करेंगे चल 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 9 बजे से क्या करना तेरे को, देख लो हर्षित को भी बजाया भी डंडे से तब मजा आया, मेरे को जितना बार हो गया मार रहा है बहुत बार। अब हम लोग जो है घर से निकलते हैं दोस्तों, देख रहे डेली ना एडवर्टाइज चल रहा है ना, तो क्या बोल रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद झांसी राम जिंदाबाद, क्या बोल रहा था बोलता ले तो वो क्या बोल रहा था बोलना, क्या जिंदाबाद बोलना, नहीं नहीं जिंदाबाद क्या बोल रहा था बोलना, जिंदाबाद जिंदाबाद कौन जिंदाबाद है रे, हैं वोट किसको देने जाएगा बेटा, हैं दो खिलौना देगा। ये देखिए
घर यहाँ स्टार्टिंग में तो देखे थे आप, हम लोग का पीछे तरफ भी काम चल रहा था, वीडियो उसका डला नहीं है, फिर आने वाले वीडियो में आपको दिखा देंगे कैसे बनाया गया है। ये देखिए प्लाई सब लेके आ गए हैं, अब हम लोग का जो है बीम का सेंटरिंग के लिए तैयारी चल रहा है और रोड बनाई चल रहा है ऊपर। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, सब तरफ हम लोग का बीम डल रहा है, हमारे पास प्लाई का जुगाड़ नहीं है इसलिए हम लोग ना एक साथ ढलाई नहीं कर रहे हैं, पहले ये सब करेंगे उसके बाद हम लोग का छत का ढलाई के लिए तैयारी करेंगे। अभी बग्गा क्या कर रहे हैं, बग्गा बोर्ड देवा नहीं चाहते हैं? तो दो जन तो छत्तीसगढ़ के हैं मिस्त्री लोग, ये उड़ीसा में, किसको दे रहा बोर्ड? शंकर चिन्ह विजेता जनता दल। तो आप लोग समझ गए, तो किसी को कांग्रेस को थोड़ी देना है, कांग्रेस वाले को नहीं देना बोल रहे हैं, अब मोदी को। तो आप समझ चुके हो सबका अलग अलग राय है किसको वोट देने जा रहे हो, वोट ना वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? तो चलो अब देखते हैं, इधर हम लोग का जो है इधर तो काम पूरा हो गया था, इधर दिखाता हूँ आपको, इधर देखिए, ये देखिए ये होल हो रहा है और ये ओपन जा रहा है अपना, ये सीढ़ी वाला जो फेस है देखिए इतना ओपन, मतलब ये हम लोग का जो है आपको क्या नज़र आ रहा है, ये ऊपर डुफ्लेक्स जैसा हम लोग का इस जगह पे छोड़ देने, क्योंकि ये हम लोग का स्टेयर आ रहा है इसमें, और भी इधर भी काम चल रहा है सेंटिंग का और ये रोड बंद ही चल रहा है। चलो हम लोग भी बोटिंग के लिए निकलते हैं, और अभी तक तो हम लोग का टाइम हो चुका है, अभी सुबह से चालू 6 बजे से, अभी 8 बजे 10 बजे जाएंगे करीब, ठीक है? 9:13 हो रहा अभी। देखो भैया बोर्ड दे के आ गए, बोर्ड का निशानी किसको दी बोर्ड? तो समझ गए, वहाँ तो बहुत सन खड़ा है, तो जीतेगा एक ही है, बता दे रहा हूँ, फास्ट एक ही आएगा, रेस में सब ढोंढ। कहाँ जाते तुम ना, देख लो दादा वोट दे जाते, कौन ला दे वोट, कोई ला दे, संग नहीं बजाओ। देखो मम्मी लोग को ना लोकसभा विधानसभा के बारे में पता नहीं है, काय बता, लोकसभा काय में विधानसभा काय, तो मतलब समझा तू, मतलब दिल्ली के मंत्री लोकसभा और विधानसभा उड़ीसा के, समझे इसका? देखो बहुत जन अभी भी पता नहीं चले, मतलब विधानसभा लोकसभा कहाँ होते, चावल की मन है ना, पढ़े ज्यादा नहीं है ना, ओकर भाई नहीं जाने वाले। देखो मना ना पहली बार वोट देने जाएंगे, क्या क्या लेके जा रहे हैं वोट देने के लिए? ना अंगूठा बस, अरे पहले एक स्लिप लेके जाना है जिसमें हम लोग का नाम है, इसमें हम लोग का कोड वर्क है, ठीक है? हम लोग का जैसे कि नंबर रहता है उसे देखेगा, और हम लोग को एक पासपोर्ट हम लोग का ये आधार कार्ड लेके जाना है, नहीं तो वोटर आईडी कार्ड, समझ गया? पर्ची है ना भाई, पर्ची में काम नहीं आया क्या? पर्ची में आ ही, फिर तो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, मतलब लेके जाना है वोटर आईडी कार्ड। तो देख लो आपको बता दो, वोट इतना कीमती है ना, आपको बता देता हूँ, मम्मी ना करीब 200 किलोमीटर बाहर गए थे, तो आज ना बस में ट्रेवल करके आई, बस वोट देने के लिए। तो आप समझ सकते हो वोट बहुत कीमती है, आपको मोहल्ले वोट आपको देना है, कहीं भी आपको वेस्टेज नहीं करना है, ठीक है? किसको जिताना चाहते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो आप लोग को पता है ना, एक बार हम लोग को 70 साल राज किए हैं, एक बार मंत्री लोग, और दूसरे बार पहले बात आपको बता, पहले राजा महाराजा 400 साल करते थे और इंग्रेज जो है ना 200 साल राज किए हैं, तो अभी 10 साल जो राज किया है वो कौन है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, उसको जिताना चाहते हो कि नहीं वो भी बताना, ठीक? फिर से हम लोग घर आए थे, आप देख सकते हो हमारा आइडेंटिटी कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड है, एक वोटर आईडी कार्ड है, ये दोनों हम लोग को अवेलेबल रहना चाहिए। आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड भी ले सकते हो और आधार कार्ड भी ले सकते हो, फिर आपको वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग दोनों लेके जा रहे हैं, क्योंकि बार बार हम लोग को आना नहीं घर इतना दूर से, उस घर से यहाँ आए मम्मी के साथ, मम्मी का भी लेके आए। अब चलते हैं हम लोग वोट देने के लिए, तो वोट देने के लिए अंदर तो शायद ही कैमरा अलाउड रहेगा, क्योंकि वहीं पर आपको स्कूल के लेके चलते हैं, दिखाते हैं क्राउड कैसा है वहाँ। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ का क्राउड, सभी तो वोट दे के चले आए ऐसा लग रहा है। तो दिया कि नहीं वोट रहे, कहाँ उंगली देखा, वोट देने का निशान आपको दिखाऊंगे? नहीं ये तो नहीं दिया है, तू देखा तू दिया है वोट, तू भी नहीं दिया है। और ये देखिए जिसके यहाँ ना पर्ची नहीं मिला है उनको लिस्ट में, उन लोग नाम निकाल रहे हैं, हमारे पास पहले से ऑलरेडी है, तो 162 नंबर हम लोग का है वोटर लिस्ट में नाम,
तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है, दोनों पार्टी कितना दिखा रहे कितना है। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अंदर में जो स्कूल पे हम लोग को वोटिंग करना। तो देखिए स्कूल के पास आ चुके हैं हम लोग और यहाँ पर जो है एंट्री गेट में सजाया गया स्वागतम और इसका नंबर आप देख सकते हो 50 और काफ़ी सुंदर सजा के रखे हैं और हम लोग जा रहे हैं अंदर वोटिंग के लिए। ठीक है, तो काफ़ी लोग भीड़ है बोल रहे हैं, देखते हैं अंदर में कैसा है क्राउड। तो देख रहे हो काफ़ी लंबा लाइन लगे हैं लेडीज़ लोग, ऐसा लग रहा है यहाँ पर हम लोग का लाइन जो है काफ़ी देर लगेगा। तो जेंट्स लोग का कम है ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग जाके वोट दे के आइए। वोट दे लिए नहीं दिए तो आप समझ सकते हो अभी क्राउड देखो। और ये देखिए यहाँ पर सेल्फी स्टैंड भी है, चलो लाइन लगते हैं और वोटिंग। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग वोटिंग करने जा रहे थे और रेलवे स्टेशन में क्यों आ गए, तो क्यों आए बताइए। हम लोग तो नहीं बता। तो देखिए हम लोग टिकट कराए हैं 5-7 जन, अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ना अगले महीना मिलने वाले हमारे ब्लॉग में पूरा कंटिन्यू वीडियो मिलेगा और अभी हम लोग सरप्राइज रखें, किसी को बताना नहीं है। ठीक है, फिर टिकट आप देख सकते हो। अभी भी देखिए लंबा लाइन है, अभी कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। ये देख रहे हो आप लोग को समझ आ रहा है क्या क्या यहाँ पर गैर कानूनी है। यह आप मास्क पहन के नहीं जा सकते, गुस्सा नहीं कर सकते हो और ये पैसा का, ये अभी फ़ोन भी नहीं चला सकते, सिगरेट गन और वीडियो तो ऐसा ही है। तो चलो वोट देने चलते हैं। देख रहे हो अभी भी लंबा लाइन लगना पड़ रहा है और इसके अंदर हम लोग को कैमरा अलाउड नहीं है, तो यहीं से हम लोग बंद कर रहे हैं कैमरा। ठीक है, मिलते हैं वोटिंग आने के बाद। तो फाइनली वोट दे दिए हम लोग, आप देख सकते हो। तो चलो एक सेल्फी तो बनता ही है, आप देख सकते हो किसको वोट दिए, आप तो बता नहीं सकते ना, वीडियो नहीं डाल सकते क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है वहाँ पर। तो एक शूट लेते हैं यहाँ पर, फोटो शूट, और निकलते हैं यहाँ से। तो देख लो एक मैडम आई है यहाँ पर ग्लूकोज दे रही है, जिसको भी एनर्जी डाउन हो रहा है, कैल्शियम का कमी है, तो इनका जूस मिल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर एक शूट के लिए, एक फ़ोटो शूट के लिए लगाया गया, तो फोटो शूट ले लेते हैं फाइनल और निकलते हैं यहाँ पर। और वो कीमती वोट है, आप लोग जिसको भी दे रहे हो आपको ये सब कीमती वोट ना, मतलब इन लोग ना खर्चा कर रहे हैं, मतलब जाया जा रहा है तुम लोग का। वोट जाओ जल्दी दो आके, देख रहे हो वोट दे दिए। तू दिया कि नहीं? ये भी ससुराल मायके गया थे, ससुराल गया था। अरे दुल्हा ए दुल्हा राजा, इसका भी अभी शादी हुआ है ना, इसीलिए शर्म लग रहा है इसको चेहरा देखने। देखो इसको लू लग गया था, तो अभी क्या बना रहे, क्या बना रहे हैं? वायरस बना रहे, लू लग गया मतलब अंदर में इतना गर्मी। और बोल रहे हैं फोन करके सुविधा ही है कि नहीं, अभी एक ही कूलर है अंदर में पूरा फुल गर्मी, तो हर जगह कूलर चाहिए। अभी गर्मी इतना हो गया ना, टेम्परेचर आपको बताऊं खरियार रोड का करीब है 45 डिग्री। 45 डिग्री में वोट डालने आए आप सोच सकते हो। अभी कितना समय हो रहा है? 1 बज रहा है। चलो आपको दिखा ही देता हूँ, करेक्ट 1 बजने को आया है और 49 है। ठीक है, 1 बज चुका है और 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो हर जगह कूलर का अवेलेबल नहीं कर सकते बोल के एक ही कूलर ला के लगाए यहाँ पर। ठीक है, तो और पार्टी फ़ोन किए थे हम लोग का, कूलर का सुविधा भी है कि नहीं? पंखे भी नहीं लगे यहाँ पर, बोर्ड जहाँ देने आए ना पंखे भी नहीं है, तो पंखे का भी सुविधा चाहिए। और ये काफ़ी गर्मी लग रहा था, तो 2 बार ना घर से रिटर्न आ चुका है बोर्ड देने के लिए, और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा था। अभी खाली हुआ है, अभी जा रहा है बोर्ड, मैं तो बोर्ड दे चुका आप देख सकते हो। तो आपका भी वोट कीमती वोट है, आपको ध्यान दे के देना है किसको आप जिताना चाहते हो, किसका आपको सरकार बनाना है, कैसा करना है आपको। लोकसभा विधानसभा का हमारा दोनों एक साथ होता है। तो आई होप आज के वीडियो में आप लोग को समझ आ गया होगा किस तरीके से हम लोग वोटिंग करते हैं हमारे यहाँ, और आपके यहाँ वोटिंग हो चुका है और किसको दिए हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर भेजना। ठीक है, तो मैंने भी आपको कमेंट करके ज़रूर बता दूंगा मैं किसको दिया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा था कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऐसे रिलेटेड ब्लॉग आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।